अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल है जनाब। यस, पाकिस्तान ने जीत तो कल हासिल की है, बट यस अभी जो है वो मुकाबले और हैं बहुत सारे। उम्मीदें लोगों की बहुत बढ़ गई हैं, बातें बहुत हो रही हैं, इक्वेशंस पे बड़ा जोर आ गया है, बट ऐसी खतरनाक इक्वेशन है पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की कि लोग किसी ना किसी तरह कोई ना कोई सिचुएशन इक्वेशन निकाल रहे हैं। और यही चाम है हमारे फैंस का, हमारे क्रिकेट एंथूजियास्ट का, क्योंकि हम तो आदी हैं। मगर कल पाकिस्तान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस की उसके हवाले से ज़रूर डिस्कशन होगी, बट आज है दी क्लैश ऑफ टाइटन्स। अगर ये बात कही जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगी, बिकॉज जिस तरह इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका परफॉर्म कर रही हैं, दे हैव बीन ब्रिलियंट द वे दे हैव बीन परफॉर्मिंग, आज इन दोनों का क्लैश होगा। कौन सी टीम होगी जो सुरखुरू होगी इन दोनों में से, वो देखा जाएगा, बिकॉज अभी तो टॉस हो गया है और टॉस की जीत में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल कर ली है। टॉस जो है वो न्यूजीलैंड ने जीता है और पहले बॉलिंग का फैसला किया है। सो दिस इज द 32nd मैच ऑफ वर्ल्ड कप 2023, पुणे में ये मुकाबला होगा। इस मैच के हवाले से डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली टीम पाकिस्तान के हवाले से भी होगी हमारी डिस्कशन। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद है स्पार्क्स। और जैसे कि सवेरा ने कहा कि आज दो टीमें आमने सामने हैं, दोनों टूर्नामेंट की बेहतरीन टीम्स हैं, एक दूसरे नंबर पर और एक पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर है। लेकिन आज का मैच टीम पाकिस्तान और पाकिस्तान टीम के जो फैंस हैं उनके लिए भी बड़ा अहम है, जो कि सवेरा ने भी अपने इंटरव्यू में भी बोला कि हमारे जो फैंस हैं यही हमारी क्रिकेट की खूबसूरती है, यही हमारा जो है हमारा सिलसिला इसी तरीके से चलता चला आ रहा है। तो सूरत हाल फिर वही उसी तरफ जाती दिखाई दे रही है और हर साल हम इसी तरीके से डिस्कस करते हैं कि 92 में भी ऐसा ही हुआ था, तो आज देखते हैं कौन जीतेगा। बहरहाल मैं आपको ये बता दूँ कि आज साउथ अफ्रीका के जीतने का फ़ायदा पाकिस्तान को ज़रूर हो सकता है। तो हमारा पैनल, हमारे लेजेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं, बुम बुम लाला, शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। लाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। खूबसूरत स्माइल, ये मुस्कुराहट जो है ना हम सब को एनर्जी ज़रा बढ़ा देती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ पे ना स्मगलिंग शुरू हो गई है इस शो के, इस स्टेज के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अल्लाह खैर। पूछे क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा डाउन था। अच्छा, शाहिद ने मुझे लफ्ज़ों से खेला कि मुशी भाई जब तक मैं हूँ आपके साथ हूँ, आपको गिरने नहीं दूंगा, आपको संभाल के रखूंगा, फिक्र ना करें। उसको बताता हूँ ना, आई एम नॉट फिनिश येट, ठीक है। उसके बाद पीजे मीर साहब हमारे अभी रिसेंटली फैमिली का हिस्सा बने हैं और इतनी केयर शुरू कर दी है, उन्होंने अपने लॉकर से, अपने वॉलेट से एक गोली निकाली है, कह रहे इंग्लैंड की गोली है, एक खाना, मैं भी खाता हूँ, तू भी खा, एनर्जी आ जाएगी, फिक्र नहीं करना, बताना नहीं किसी को, हम दोनों चुप करके खा लेते हैं। मतलब क्लैरिटी हम ये दे दें कि गोलियों में बात आई, कोई पेन किलर टाइप की गोली है, बराए मेहरबानी कोई पेन किलर टाइप की गोली है, हां पेन किलर, पेन किलर, प्लीज क्लैरिटी चाहिए। और उन्होंने कहा एनर्जेटिक, जान आएगी, वेरी गुड, और आप उठ जाओगे। अगर सारी जिंदगी दी है या ली है आपने गोली, देखे ना, अगर पीर ही गोलियों पर आ जाएंगे तो मुरीद क्या करेंगे? वो ना 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 ना, असबाब को छोड़ना जहालत, हजरत अली रजी अल्लाह तआला का कॉल है, असबाब को छोड़ना जहालत, असबाब को छोड़ना जहालत, असबाब के ऊपर क्या था, असबाब को छोड़ना जहालत नहीं, एक था असबाब के ऊपर यकीन करना कुफर है, असबाब को छोड़ना जहालत। अच्छा हाँ, असबाब के ऊपर यकीन करना कि यार मैं ठीक हो जाएगी मेरे सर दर्द, ये तो अल्लाह के ऊपर तवक्कल है हमें, मगर असबाब को छोड़ना नहीं चाहिए, गोली जरूर खानी चाहिए। ठीक है, ले लीजिए इस बात का एक खूबसूरत सा मैसेज पैगाम भी आप लोगों तक पहुँच गया। पीजे मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है हमेशा की तरह, जबरदस्त एक ड्रेसिंग और क्या कलर कम्बिनेशन वो पहनते हैं। पीजे मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आज आप भी माशाल्लाह चूजे लग रहे हैं। सही चूजे देखे, हम अपने रंग में रंग बदल लिए नहीं जी, तो मतलब ये इंट्रोडक्शन का सिलसिला हमें, वैसे हमारा इंट्रोडक्शन ही इतना लाइवली हो जाता है माशाल्लाह से कि किसी गोली की जरूरत नहीं। वैसे ज्यादा सवेरा की भी तारीफ करें, मुझे भी नहीं, कोई बात नहीं, मैं मुझे आदत सी हो गई, भी अच्छी काल बोल रहे हैं, दवाई देखी है ना, इसीलिए नहीं चाहती मैं कि मेरी कोई तारीफ हो। सही है बिल्कुल। कमिंग बैक टू द डिस्कशन एंड यस, हाउ पाकिस्तान प्लेड यस्टरडे, बांग्लादेश इज द टीम दैट इज डाउन एंड आउट, मगर ये कि पाकिस्तान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, बट बिफोर दैट इट इज़ साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। अगर हम पिच पे पहले नज़र डाल लें किस तरह की सरफेस है पुणे में, क्या इस वक्त कंडीशंस हैं, एंड व्हाई डिड न्यूजीलैंड चूज टू फील्ड फर्स्ट, सो पिच रिपोर्ट पे हम नज़र डाल लेते हैं एंड देन वील कंटिन्यू आर डिस्कशन। मगर नहीं सुनी इनकी बात, बिल्कुल नहीं सुनी कि बैटिंग फर्स्ट नहीं, न्यूजीलैंड चोज टू फील्ड फर्स्ट। मैं अगर कंडीशंस की थोड़ी सी बात करूँ लाला, विकेट तो वो कहते हैं ना पटाखा सी लग रही है, रन बनने वाले
हाँ लेकिन नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि लेटर ऑन ही और ज्यादा स्लो डाउन और अच्छा बल्ले पे, तो आई मीन कि देखें फ्रेश विकेट है, थोड़ा सा मेरे ख्याल में बॉलर्स को यहाँ पे फायदा होना चाहिए। अगर आप कल देखें, कल का जिस तरह का पिच था पाकिस्तान का, कुछ भी नहीं था पिच के अंदर, लेकिन स्टिल शाहीन को हल्का सा स्विंग मिल रहा था, तो अर्ली ऑन में भी चांस ले रहे हों कि ये फ्रेश विकेट है और यहाँ पे बॉल जो है थोड़ा सा हेल्प करेगा बॉलर्स को, तो वाई नॉट के अर्ली ऑन अटैक किया जाए, विकेटें आए एंड देन हाँ एक कोई लंबा टोटल ना होने दे। और बैटिंग के अंदर ये मैं इस तरह की पिचेस पे, क्योंकि हम एक्सपीरियंस है, तो इस पे फिर सेकंड पिच के सेकंड इनिंग पे बॉल बड़ा ज़बरदस्त बल्ले पे आता है, स्विंग सीम नहीं होता, इतना शार्प टर्न नहीं होता, तो मेरे ख्याल में पिच तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो डिसीजन है साउथ अफ्रीका का, ये अच्छा डिसीजन है। न्यूजीलैंड ने जो फैसला किया, न्यूजीलैंड की जो विकेट रीडिंग एबिलिटी की हम बात करते हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त उसको असेस करते हैं कंडीशंस को। तो विकेट को आपने देखा, न्यूजीलैंड ने जो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 383 तक जाना, एक बड़ा कॉन्फिडेंस होगा इटसेल्फ के वो किस तरीके से चेस की तरफ जाते हैं। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई थिंक जो हमने पिच रिपोर्ट सुनी है रिकी की और शॉन पॉलक की, सबसे पहले देखें उन्होंने, शॉन पॉलक ने कहा है कि ग्राउंड की जो बाउंड्रीज है ना वो डिफरेंट है, मतलब 150 एक तरफ तो 56 है, 62 है, इस तरह की वो उन्होंने बताया है। अब ये इससे क्या होता है कि ऑपोजिशन जो हम कोचेस बाहर बैठे होते हैं ना, वो बॉलर्स को बताते हैं इस एंड के ऊपर से लंबी बाउंड्री की तरफ से आप स्लो बाउंसर और बाउंसर मार सकते हो, इस तरफ नहीं मारने, इस तरफ जाकर छोटी बाउंड्री की तरफ आप बाहर यॉर्कर मारने। ये छोटी छोटी टैक्टिकल चीज़ें होती हैं जो आपको मैच जिताती हैं। इसके ऊपर आ जाएँ, विकेट के ऊपर आ जाएँ, न्यूजीलैंड ने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फैसला किया है, उन्होंने पिच के ऊपर देख के ज़रूर फैसला किया है कि पिच में थोड़ा सा, जैसे शायद ने कहा कि यहाँ पे आप देखिए इंडिया और पाकिस्तान में वेदर चेंज हो रहा है, यहाँ पे सुबह सुबह ना मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर को शायद 5-7 ओवर यूटिलाइज किया जाए। इसके हैविंग सेड दैट, न्यूजीलैंड ने अपनी स्ट्रेंथ को देखा है, 2-3 मैच वो खेले हैं बैटिंग सेकंड करते हुए, और उन्होंने 390 वट एवर द स्कोर वाज, दे वर ऑलमोस्ट चेज दैट। अब उनको पता लग गया कि ये थ्योरी हमें समझ आ गई कि हम जीत सकते हैं ये मैच, क्योंकि उनके टैक्टिकल जो उनके टेक्निकली प्लेयर स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग यूनिट उनका तगड़ा है, और ये इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है। एंड आई बिलीव यू नो लाइक दिस गेम विल बी अ वेरी क्रंच गेम, बिकॉज दोनों टीमों को यहाँ पे जो मैच जीतेगी उसका जो कॉन्फिडेंस है ना वो ऑल द वे आखिरी 4 मैचों के लिए जाएगा। बट न्यूजीलैंड ने क्या साउथ अफ्रीका की वीकनेस नहीं देखी, बिकॉज साउथ अफ्रीका ने सारे मैचेस पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, और जब चेस करने पे जब साउथ अफ्रीका आई उन्होंने क्रम्बल किया। आई थिंक समटाइम दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, यू नो वट, समटाइम आपने ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ नहीं देखनी होती, अपनी स्ट्रेंथ पे बुरे हैं, ये होता है अच्छी टीम की निशानी। अगर हल्का सा ये डाउट क्रिएट करते ना न्यूजीलैंड वाले कि वो चौकर्स हैं, वो सेकंड बैटिंग करते हुए स्कोर नहीं कर सकते, तो ये अपनी स्ट्रेंथ से हटते हैं। इनको पता है कि हमारी स्ट्रेंथ ये, हम ये 300-350 भी करेंगे हम कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड अ वेरी क्लियर माइंड सेट ऑफ न्यूजीलैंड, वेरी क्लियर माइंड सेट ऑफ न्यूजीलैंड। ऑब्वियसली द टॉप ऑफ द टेबल्स पे हैं ये, सेकेंड और थर्ड नंबर पे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दोनों टीम्स की आ रही हैं, बट डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड टॉस जीत के एज हासिल कर लेगा? देखें ये वो स्टेज है टूर्नामेंट का कि जहाँ प्लेयर्स अब सेटल इन हो गए इन द टूर्नामेंट, शुरू में यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, अब यू नो व्हाट इज द फॉर्मेशन, आपके टेबल्स कहाँ हैं, आपकी पोजिशनिंग कहाँ है, तो लड़के हर लड़का इस वक्त मेंटली मैच्योर है एटलीस्ट फॉर दिस टूर्नामेंट। ये विकेट जो दिखाई जा रही है, ये विकेट है बेसिकली विकेट टू विकेट करने वाली। अब उसने कहा कि ये टू पेस्ट है, यहाँ ज़्यादातर अगर तो बॉलर इस्तेमाल करे अक्रॉस द सीम, ये सीम उसी वक्त आप इस्तेमाल करते हो जहाँ आपको स्वर्व मिलता है, सीम मिलती है, आप मारते हो अंदर, ये जो होती है ये आपको एक अनइवन बाउंस देता है ये जो बॉल है, और ये सीधा रहता है, ये मूव नहीं करता। तो इस विकेट के ऊपर आई थिंक ये जो न्यूजीलैंड के बॉलर्स हैं दे क्वाइट गुड, पर्टिकुलरली बोल्ट, और ये जो ऐसे बॉलर्स हैं दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस विकेट, बट इट डिपेंड्स कि इनको गाइड किस तरह किया जा रहा है। और ये जो मुश्ताक ने बात की है, बैट्समैन भी अपनी वही स्ट्रैटेजी करेंगे, वो बॉलर को ढूंढेंगे कि किस बॉलर को आप यहाँ मैनिपुलेट कर सकते हो, किस को यहाँ कर सकते हो। सो दिस विल बी अ गेम ऑफ कैट एंड माउस। बिल्कुल जी, कैट एंड माउस का ये गेम रहेगा। एंड जब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो रैंकिंग में चेंजेस आई हैं, बिकॉज कल जो है टीम पाकिस्तान के बोलर्स ने जिस तरह अप्लाई किया खुद को और जिस तरह खेला, तो शाहीन शाह ने हेजलवुड की जगह, शाहीन शाह हैज़ कम ऑन द टॉप नाउ। सो यस, जब आप वो कहते हैं ना अच्छी परफॉर्मेंसेज होती हैं तो रैंकिंग तो खुद ही खुद बढ़ती जाती है, बट टीम जीतती है उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होना चाहिए कि रैंकिंग आपकी जो भी हो, अगर आपकी टीम ना जीते तो कोई फ़ायदा नहीं होता। बट लाला, जिस तरह की कल टीम पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस की, सबसे पहले तो मैं कहूँगी
कांग्रेचुलेशंस फखर जमान इन नंबर्स. अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऑनेस्टली बहुत दिल से खुश हूं लड़के के लिए. और मैं, मेरी ख्वाहिश थी कि वो पहले ही मैच से अपनी फॉर्म में रहता, ये वर्ल्ड कप का मजा ही कुछ और कर देता, क्योंकि अच्छी पिचें हैं, अच्छी पिचें बैट्समैन मिस नहीं करते. और मेरे ख्याल में ओवरऑल फास्ट बॉलर्स की कल भी हमने बात की, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की इन्होंने. अच्छा है कि बड़े मैच से पहले फास्ट बॉलर्स, क्योंकि उनका रोल इंपॉर्टेंट होगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो खेलते अच्छे हैं ऑस्ट्रेलिया फास्ट बॉलर्स को. लेकिन जो फिकर वाली बात, सॉरी न्यूजीलैंड, एंड देन फिर वो भी बॉल छक गए. देन फिर उसके बाद जो फिकर हमें पहले ही मैच से है वो स्पिनर की है. उनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज यूजुअल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट. तो ओवरऑल हमें मैच जीतना है हमारे हर प्लेयर को, क्योंकि उस दिन भी बात की कि हमारे पास एक दो मैच विनर नहीं है. मैच विनर हमारे 11 के 11 हैं जो ग्राउंड में उतरेंगे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, गुड टीम, टॉप टीम के खिलाफ. तो हम सबको अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा. मैं कभी नहीं कहता कि बड़े बड़े रन या पांच पांच छह छह आउट, नहीं, हर बंदा अपना हिस्सा लाजमी डाले. वो छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज बन के एक बड़ी परफॉर्मेंस बनती है, इस पे मेरा बिलीव है. कल सबने टीम वर्क बिल्कुल होना चाहिए. कल सबने मुझे भी परफॉर्म किया. और शाहीन के हवाले से बात हो रही है कि हमने कल भी जिक्र किया था कि 51 मैचेस में 100 विकेट्स लेना एक बहुत बड़े एजाज की बात है. ये टॉप रैंक्ड ओडीआई बॉलर हो गए हैं. सबको इसका क्रेडिट जाता है, हम सब प्राउड फील करना चाहिए. पाकिस्तानी, यू नो, लाइक हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है. जितने भी अवाम हैं जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि हमारा पाकिस्तानी रैंक में नंबर वन हुआ है. और ये उसका हार्ड वर्क है शाहीन का, ही इज वेरी पैशनेट गाय. यू नो, उसने बड़ी जान से क्रिकेट खेलता है. जो मर्जी क्रिकेट, आप जैसे मर्जी गेम हो, मैच अगर आप 10 रन चाहिए और 50 ओवर पड़े हैं, वो फिर भी जान मार होता है. ये एटीट्यूड ना बच्चों को लिए बहुत जरूरी है, ऐसे रोल मॉडल चाहिए हमें. और दूसरी खूबसूरत चीज कल जो हुई है, बाबर आजम का इंटेंट आपने कल देखा, आउट हो गया, डज नॉट मैटर, दैट्स व्हाई पीपल विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज आउट तो वो जल्दी हो गया. ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट हिज रन, ही वॉज थिंकिंग अबाउट टीम. That is a quality. और जो शाहिद बात कर रहा है फखर की, क्यों गैप दिया ना, हम बार बार इस प्रोग्राम के तवसल से बोल रहे थे कि गिव हिम अ ब्रेक, ही नीड्स ब्रेक. वी नो एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए क्रिकेटर, सम टाइम जब आपका फेलियर चल रहा होता है और आपको टेक्निकली थोड़ी सी इश्यूज होते हैं तो वो प्रोग्राम लंबा हो जाता है. सम टाइम यू नीड वन वीक, टू वीक्स ब्रेक. आप ड्रेसिंग रूम में बैठते हो, थ्रो डाउन प्रैक्टिस कर रहे होते हो, चीज़ों को देख रहे हो, तो फिर आपके अंदर हंगर दोबारा पैदा शुरू होना शुरू कर देता है. फिर बंदा अपनी स्ट्रेंथ को याद करना शुरू कर देता है. इसलिए वो ब्रेक की वजह से आप देखें फखर ऐसा नहीं खेलता था जब कल वो खेला. बहुत शुरू में खेलता था, अब वो क्या कर रहा था, बीच में आके कोशिश करता था बारी लेने की. बारी लेने उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, उसका जाके इंटेंट चौके छक्के मारना उसका वो उसकी स्ट्रेंथ थी. एंड आई थिंक आई एम ग्लैड टू सी, एज शाहिद सेड, वी आर वेरी हैप्पी कि ही इज बैक, एंड व्हेन ही बैक ही टेक द गेम अवे फ्रॉम एनीवन. बट जहां बात कर रहे हैं हम फखर जमान की, क्या एक और एडवांटेज फखर जमान को हुआ अपने ओपनिंग पार्टनर का एडवांटेज? बिकॉज इनिशियली जब फखर जमान खेल रहे थे और जब फखर जमान भी स्ट्रगल कर रहे थे, दूसरी तरफ इमाम भी स्लो खेल रहे थे, तो दोनों के ऊपर वो प्रेशर आ रहा था और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे. कल जिस तरीके से दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है, फखर ने अगर एक छक्का मारा तो थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला ने भी छक्का मारा, इट वॉज लाइक एक दूसरे के साथ प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा था. फखर इज आउट हुए तो अब्दुल्ला भी इज आउट हुए. ये जो टेंडम में उन्होंने कल बैटिंग की है, एक वो एक बहुत बड़ा जो है एक एक, एक टेस्टमेंट था कि आपको फिर पेयर्स फिर इसी तरह ढूंढ लेने चाहिए कि जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सके. अच्छा, ये जो बट इसका जवाब हम जाएंगे ब्रेक पर, और ये याद रखिएगा आप सवाल मैंने आपसे क्या पूछा, बिकॉज हम जल्दी से जाएंगे एक ब्रेक पर. ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल. और डिस्कशन हो रही है ऑब्वियसली जो आज मैच खेला जा रहा है उसके हवाले से, तो बात हुई आपको फिर से आज के मैच के हवाले से अपडेट करते चले. इट इज न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, और न्यूजीलैंड ने टॉस जीता. टॉस जीत के पहले बोलिंग का फैसला किया. पुणे में ये मैच खेला जा रहा है. बट कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ जो मुकाबला किया उस हवाले से अगर हम बात करें, और आपसे जो है मैं ये सवाल पूछती गई थी पीजे मीर साहब के, कितना इंपॉर्टेंट होता है एक एक, एक पार्टनर का दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना. कल जिस तरह ने अब्दुल्ला शफीक, कल जिस तरह फखर जमान को अब्दुल्ला शफीक ने पार्टनर किया, ये टाइम लगता है इस पर. ठीक है, जिस तरह आमिर सुहेल और सईद का था. या अब इसकी मैच्योरिटी होती है, लेकिन इन दोनों की आपने एक चीज़ देखी, फखर ऊँचा खेलने वाला है, ये वी में खेलने वाला है, ये अपने आप को सोलिडिफाई करता है और ये बड़ी सेंसिबल शॉट्स खेलता है. वो चाइनीज क्रिकेट नहीं खेलता. ये दूसरा, उसको एक मौका मिल जाता है कि उसके साथ एक अच्छा एंकर है. इसके अंदर आपकी एक मेंटल रेपो बन जाती है,
और जब ये मेंटल रेपो बनती है और ये लॉन्ग पार्टनरशिप में जाती है, एक में, दो में, चार छः मैचेस के अंदर आप देखेंगे कि आपका एक पेयर बन गया। बिल्कुल, क्योंकि हमने पाकिस्तान में हमेशा एक प्रॉब्लम ही देखा है ओपनिंग का। बिल्कुल, वो कभी हम टिके नहीं है। हाँ। अगर वो अगर टिक जाता है मिडल ऑर्डर फेल हो जाता है। बिल्कुल, मुश्ताक ने एक बड़ी टेक्निकल बात की, लोगों को कईयों को समझ नहीं आई। हम हमेशा कहेंगे कि बाबर रन्स करे हमेशा, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि जब वो नहीं करता है ना, दूसरे को एक मौका मिलता है आके अपने आप को कंसोलिडेट करने का, और उसमें एक आपकी बैटिंग रोटेशन शुरू हो जाती है। क्योंकि कई लड़कों को मैच प्रैक्टिस नहीं मिलती, नेट प्रैक्टिस इज डिफरेंट कंपेयरिंग टू मैच प्रैक्टिस। पीजी मीर साहब जल्दी भी बन जाते हैं रन्स, बिकॉज़ बाबर स्लो खेलता है, बाबर के स्ट्राइक रेट का इशू। वो अलग बात है, मैं फ्रॉम अ टीम पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूं। फ्रॉम अ टीम पर्सपेक्टिव हमने तो 11 लड़कों को देखना है ना, हमने तो सारी उम्र बैंक नहीं करना कि बाबर नहीं मैच जिताना है। हमें तो नीचे से वो शाहीन है, नसीम है, इन लड़कों ने भी तो जितानी है क्रिकेट में। तो हमने लॉन्गर स्ट्रेच देखना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है किस तरह जाए। सो जिस चीज को ऐसा ऐसा चांस मिलता रहता है, आप देखोगे कि वो टीम्स लॉन्ग टर्म पे जाती हैं। और अब हमारी टीम जो है वो एक, मैं समझता हूँ, एक लेट हुई है मैच्योर, लेकिन मैच्योर हो रही है। क्या हम इतनी जल्दी, कैन वी रीड सो मच इन दिस मैच, बिकॉज हम जिस तरह बात कर रहे हैं बांग्लादेश टीम, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द विन ऑफ पाकिस्तान, बट वी नीड टू बी रियलिस्टिक। और हमें वो जो हम बबल क्रिएट कर देते हैं ना, नंबर वन बबल, नंबर वन बबल, उस बबल से बाहर हमें आने के लिए रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। लाला, बांग्लादेश इज द टीम ऑफ द वर्ल्ड कप, दैट इज डाउन एंड आउट। बांग्लादेश इज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल, अपने पार पे बिल्कुल नहीं। कल जिस तरह शकेब आउट हुए, अपनी गलती थी शकेब की, कोई वो रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई ऐसी बॉल नहीं थी। तो हमें ज्यादा ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगला मैच हमारा एक बहुत तगड़ी टीम से है। सवेरा, अगर बांग्लादेश और श्रीलंका की क्रिकेट की बात हो ना, तो श्रीलंका ने इम्प्रूव किया है वक्त के साथ किया है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से मुझे कहीं नजर नहीं है कि कोई अच्छे बड़े मैचेस, कोई अच्छी क्रिकेट, जैसे कि अफगानिस्तान को हम देख रहे हैं, तो उस तरह इम्प्रूवमेंट की तरफ नज़र नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये जो पाकिस्तान की बात है, क्योंकि कंटिन्यू कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं चल रही थी, हारे जा रहे थे, एक ऐसी टीम आई जो ऑलरेडी कोई नज़र नहीं आ रही, जिनकी अपनी परफॉर्मेंस के इतने वो उनको फिक्र थी। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेली है, नो डाउट, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान टीम से हमें एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा, बाबर आजम की बात हो रही है, इंटेंट अपनी जगह पे, कल बाबर आजम को नॉट आउट आके मैच ख़त्म करना चाहिए था, ताकि अगले मैच में कॉन्फिडेंस के साथ जाता कि मैं तो लास्ट मैच में नॉट आउट हूँ। मुशीबे की बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मुशीबे की इस बात से मैं एग्री नहीं करता कि वो आउट होके चला गया। आपके साथ खेल रहे एक और प्लेयर, बाबर आजम, आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं चल रही वर्ल्ड कप में, आप कप्तान हो, आप सिंगले डबले करके, सिंगले डबले भी इंटेंट ही है ना यार, बिल्कुल, तो वो खत्म करके आप नॉट आउट होके जाओ, ताकि अगले मैच में हो तो आपके पीछे रन भी हो और कॉन्फिडेंस भी हो। तो आई मीन के हम गलतियां कर रहे हैं, अभी भी गलतियां की हैं हमने, ठीक है। फखर की फॉर्म आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। फखर का जो प्रॉब्लम था वो अर्ली ऑन जो बॉल के ऊपर जाता है, हमेशा या तो स्लिप में आउट होता है या बोल्ड हो जाता है वो लड़का। तो थोड़ा सा अगर वो ये पहचान ले कि दो तीन ओवर, चार ओवर आने दो, बॉल को खेलो, ठीक है, बॉल के स्विंग सीम खत्म हो जाए, खेलो अपना गेम, फिर खेलो अपनी स्ट्रेंथ से, कोई ना हटे। बिल्कुल, बस मैं मेरा ये, ठीक है। मुशी भाई, अब हमने जिस तरह सारी सारी जो बातें जा रही है, बाबर की बातें जा रही है, अब अगेन कैप्टेंसी को अगर हम रेट करें, कल कैप्टेंसी कैसी थी बांग्लादेश के हवाले से, बांग्लादेश के अगेंस्ट हमने, बांग्लादेश से क्रेडिट नहीं ले सकते, बट अगेन अगले मैचेस हमारे टफ हैं। साथ ऐड कर दीजिएगा, बांग्लादेश कहाँ पर गलत कर रहा है, अफगानिस्तान अगर इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, और नेदरलैंड बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, बांग्लादेश की टीम एक टाइम पर बहुत अच्छी हो गई थी, अब क्या हुआ बांग्लादेश के साथ, वो क्यों इतना नीचे चले गए? पहले बात तो लुक, आपने ये क्वेश्चन किया बाबर की कैप्टनसी, कल आपने देखा कैसी सेलिब्रेशन हो रही, बिल्कुल, बाबर ने पीछे से जाके जफियां डाल के हारिस को और शहीन को उठाया है, बिल्कुल, ये पहले नहीं था। ये बाउंडिंग चाहिए होती है, ये जो आपको ना एक फ्रीनेस, एक सेलिब्रेशन, आपको एक दूसरे को कामयाबी का ना, एक कामयाबी की जब किसी को मिलती है ना, तो उसकी खुशी में जब आपको पता चल जाता है कि ये बंदा कितना खुश है, ये खुशियाँ जब आपको नजर आती है ना, तो छोटी छोटी चीजें वैसे ही छुप जाती है, आपको ये छुपानी पड़ती है। ये तो बाबर की कल सबका इंटेंट बहुत तगड़ा था। अब आगे बात, हमने साउथ अफ्रीका मैच में भी ऐसा ही इंटेंट देखा। मुशी भाई की बात को यहाँ मैं रोक लेता हूँ। मुशी भाई जरा आप ही जवाब दे दें मुझे कि जब अच्छा करेंगे तो वो चीजें नजर आएंगी या मुश्किल वक्त में नजर आएगी, ये भी बता दें जरा। मुश्किल वक्त में तो और भी अच्छा लगेगा जी, वही नहीं करते हैं वो, वही एग्जैक्टली तो वो नहीं करते ना, अच्छे वक्त वही में तो टाइम है जब एक दूसरे को उठाना है, मुश्किल वक्त में करो ना, एब्सोल्युटली नहीं, जैसे हर्डल की थी
राशिद खान ने क्या किया था? बिल्कुल, जब उनको फेंटी लग रही थी उसने सबको बुलाया, कप्तान और था कोई, उसने बुला के सबको, पता ऐसे ऐसे कह रहा था, ठीक है। वो अफगानिस्तान पता क्यों जीत रही है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश की आपने बात की, बांग्लादेश कहाँ पे लैग कर रहा है बताता हूँ। अफगानिस्तान क्या कर रही है? अफगानिस्तान के नबी राशिद खान और मुजीब और गुलबाज, ये तीन चार पांच लड़के हैं जो तीन चार साल से खेल रहे हैं। इनका, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, कप्तान कोई और है, ये गेम चला रहे होते हैं ये। सबसे ज्यादा मिड ऑफ, मिड ऑन के ऊपर फील्डिंग कौन कर रहा है? नबी कर रहा है इस एज में जाकर। क्यों कर रहा है? कि दे वांट टू शो दैट के वी आर द बेस्ट पीपल। जब आपके जो सीनियर प्लेयर, जब उनका इंटेंट ऐसा होता है ना, तो मुंह से पहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपके एक्शन ही बता, कहते हैं ना, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। इसका मतलब है कि आपके एक्शन नजर आ रहे होते हैं। क्या कर रहे हैं? शकीब की बॉडी लैंग्वेज देखिए, चौका पड़ता है, लुटन दास कल देखा पता है, सर खर गया ऐसे। जो पाकिस्तान, जो शायद ने कहा ना, पाकिस्तान लायक कर रहा था जब मुश्किल कंडीशन में स्पिनरों को चौके पड़ रहे हैं। अब देखें कौन विकेट कीपर बोल रहा था, वो आपके स्लिप वाला बोल रहा था, कवर वाला बोल रहा था, कोई नहीं बोल रहा। फेंटी तो पड़ ही रही है, बॉलिंग तो अच्छी नहीं हो रही। उस वक्त टीमों का पता चलता है, उस वक्त सीनियर प्लेयरों का पता चलता है, जब चीजें चीज नहीं होती, अच्छी चीजों में तो सब चीजें नजर आ जाती हैं। इसलिए जो बांग्लादेश गलत कर रहा है, उनका लुटन दास, महमूदुल्ला और उनका छोटा मुशी, ठीक है, आपका छोटा मुशी, उसको मुशी कहते हैं, छोटा मुशी कहते हैं वो, तो उसका आप आ गए शायद, उनका कौन, शकीब कप्तान। आपके शकीब को कहीं जाके देखा है कि उसको दो चौके पड़े हैं? एक छक्का मारा है उसने फखर ने, खिंची हुई गेंद को अच्छा छक्का मारा था, और ये यूं खड़ा था, यूं उसको पता था कि अच्छी गेंद है, वहां पे भाग के जाके यू सिर्फ यू करता है ना, कम ऑन, कोई बात नहीं, यहाँ पे विकेट ले जाओगे। ये जो इंटेंट होता है ना, ये यंग बच्चों में जब आता है कि मुश्किल कंडीशन में ये हमारे बड़े लोग खड़े होते हैं, हमें भी खड़ा होना पड़ेगा बड़ा प्लेयर बनने के लिए, बड़ी टीम बनने के लिए, दे आर द लैकिंग, वो ये चीजें लैक कर रही है। इसलिए बांग्लादेश का ग्राफ नीचे जा रहा है, अफगानिस्तान का ऊपर जा रहा है, क्योंकि उनके सीनियर लड़ रहे हैं, इनके सीनियर चुप करके अपने अपनी गेमें चला रहे हैं। नेदरलैंड के साथ, नेदरलैंड की टीम भी इसी तरीके से इसी ग्राफ से ऊपर आ रही है और अपने आप को प्रूव भी कर रही है। आप देखो वो तो टीम, जिसे शायद ने क्या है, वो नेदरलैंड को शूट करती है, जो शायद ने कहा छोटी छोटी परफॉर्मेंस है, चार ओवर का स्पेल, नो रन्स, आपका खब्बा स्पिनर आता है वो दो पांच रन देता है, फील्डिंग में जान मार रहे हैं, ये है नेदरलैंड, इसलिए वो दो तीन मैच जीत गए। ये शायद ने कहा छोटी छोटी परफॉर्मेंस है, ये एक टीम के लिए जरूरी है, उनके पास बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, उनके लिए जरूरी है छोटी छोटी, इनके पास बड़े प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर का काम है फिर बड़ी परफॉर्मेंस करना, ये है डिफरेंस विद छोटी टीम, मिनोस के साथ और बड़ी टीम के साथ। बट कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन, जहाँ पे हमने बाबर की कैप्टेंसी की तो बात कर ली, मुशी भाई वापस आते हैं बाबर की बैटिंग के ऊपर, वो इस वजह से, बिकॉज जब एक प्लेयर जो कि इन फ्लो होता है, जो खेल रहा है, एक प्लेयर आउट होता है, दूसरा प्लेयर जो डक से आता है, ही शुड टेक हिज टाइम, और टाइम यही लेना चाहिए कि उसको स्ट्राइक दे दे, जितनी देर थोड़ा सा मैं एक्लेमेटाइज हूँ, चाहे आप जितने बड़े खिलाड़ी हों या आप जितने सीनियर हों। बट जिस तरह कल बाबर जो अटेम्प्ट करते हुए आउट हुए, क्या उसकी जरूरत थी उस अटेम्प्ट की? बिकॉज अब्दुल्ला वाज ऑलरेडी इन नंबर्स, ही वाज हिटिंग। अच्छा सुने जी, ये शायद ने जो बात की बड़ी सेंसिबल बात, इसने क्रिकेटिंग बात की जी, लोगों को जेन बदलने के लिए ना फेलियर से निकालना पड़ेगा पहले, ये फेलियर उसके लिए हमारी टीम के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि हिट मारते आउट होना, ये इसलिए ड्रेसिंग रूम में यंग बच्चे कह रहे हैं कि जी स्कोर तो 25 चाहिए, इसको जरूरत नहीं है। शायद की बात क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल परफेक्ट बात कर रहा है कि गेम खत्म करके आना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, और अपने कॉन्फिडेंस के चक्कर में तो पहले रन हो रहे थे ना, इसको निकालने के लिए तो आउट होना पड़ेगा ना, जब आउट होने का डर निकालने को तो छक्का मारने पड़े, छक्का मारोगे ना, ये जो डर और खौफ है ना, ये इंटेंट की जो बार-बार करें, ये बाबर ने कल शो नहीं, बट एक प्लेयर तो खेल रहा है ना, एक तो अभी छक्के चौके मार रहा है, बात नहीं समझ, आप जब अभी अंदर आए तो आप क्या सिर्फ स्ट्राइक ही आप बात करें? अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे बैठे पूरे डेढ़ महीने से आप बोल रहे हैं कि यार पाकिस्तान की स्ट्राइक रेट नहीं, इंटेंट नहीं, जब वो इंटेंट शो करने लगते हैं तो फिर कहते हैं सेंसिबल हो जाओ, सेंसिबल इंटेंट होती है ना, इंटेंट का मतलब तो ये नहीं है कि आप छक्का मार के, सेंसिबल इंटेंट होती है, आपने आती दिखा दिया ना, आपने कम बॉलों पे ज्यादा रन कर दिए, वो तो हमें इंटेंट नजर आ रही है, लेकिन गेम खत्म करना है ना, नॉट आउट का ज्यादा, मुझे ये बताएं कि नॉट आउट से बंदा ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है या जल्दी आउट होने से? मैंने तो 200% आपके साथ एग्री कर रहा हूँ, तो फिर आप किस बात पे वो बात, मैं कह रहा हूँ कि पहले ये माइंड सेट तो चेंज करो ना, कि जी मारना, हिट मारना जरूरी, माइंड सेट एक मैच में चेंज करेंगे, अगले मैच में क्या करोगे, अगर इस तरह की सिचुएशन होगी फिर मार दोगे कि मेरी इंटेंट थी? आपको जो स्कोर है ना, जिस तरह स्कोर कल थोड़ा रह गया ठीक है मैं अगर सेल्फिशली खेलता ठीक है, तो क्या करता, दुक्का सिंगल चौका, मैच जीत गए, आप नॉट आउट चले गए, नॉट आउट चले गए, ठीक है। अब आपने एक मैसेज कन्वे करना है टीम को, वो मैसेज क्या है कि जी हमारी बाउंड्रीज छक्के चौके नहीं लग रहे, तो सबसे पहले कप्तान ने ये चांस लिया और वो आउट हो गया, मारते हुए आउट हुआ ना,
फील्डर पीछे गंदी शॉट है, पर ये शॉटें जरूरी है इस वक्त पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में, इसलिए कि माइंडसेट चेंज करने की बात कर रहा हूं शायद ये नहीं कर रहा आप, मैं कह रहा हूं 200% आप क्रिकेट की बात ठीक कर रहे हो, मैं आपकी बात को पूरा एग्री कर रहा हूं, ठीक है ना। अब एक जो चीज है ना इंटेंट, वो इंटेंट ये वो मैं इसको छोड़ी बात कर देता हूँ। निकल के हिट मारना, स्टंप ना होना, दैट्स नॉट अ ग्रेट मैसेज। मैसेज क्लियर होना चाहिए, छक्का मारना तो मारना, फिर आउट होने का घबराना नहीं। ये जब पूरे कप्तान की जब करेगा ना ऐसे, आप मेरी बात याद रखिएगा, बताने की ड्रेसिंग रूम में बताने की जरूरत नहीं कि भी हमें बाउंड्री चाहिए, हमें पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। जब आपके ऐसे 2-3 फेलियर आएंगे ना, तो लोगों को एक मौका मिल जाएगा कि नहीं भाई अब यही ब्रांड चलेगा, इसमें चाहे 20 पे आउट हो जाए, चाहे हम 200-300 करें, फिर जाके लोगों का माइंडसेट चेंज होता है। क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारी डिस्कशन हो रही है ना, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट डिसएग्री विद दैट व्हाट शायद यू गाइस सेइंग, बट आई थिंक दिस शॉट इज ऑल अबाउट चेंजिंग अ माइंडसेट ऑफ पीपल सिटिंग इन पाकिस्तान ड्रेस, सेंडिंग आउट द मैसेज एंड चेंजिंग द माइंडसेट, बिल्कुल सही है। बट पीजे मीर साहब, टीम्स वही सक्सेसफुल होती हैं जो अपनी जीत में अपनी गलतियां ढूंढती हैं, बिकॉज आगे के मुकाबलों के लिए अपनी गलती से तैयारी करती हैं। कल पाकिस्तान टीम जीती, दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान टीम के वो 4 शिकस्तों का जो है वो ख़त्म हुआ सिलसिला और हमने एक जीत हासिल की। बट वी प्लेड 102 डॉट बॉल्स, सिर्फ 32 ओवर्स खेले हैं हमने और उसमें 102 डॉट बॉल्स थी हमारी, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं ये डॉट बॉल्स का रेशो जो बढ़ रहा है, इस पर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए इसके अंदर। हमारे में वो स्टीयरिंग नहीं है जो क्रिकेट में कहते हैं, वी डोंट स्टीयर, वी डोंट लुक फॉर इट, आप बॉल को मैनिपुलेट नहीं करते हो। और यही वजह है कि ये जो क्रिकेट है 1 day T20 T10, इसमें छक्का चौका का आ जाता है एक एलिमेंट। लेकिन जो शायद बात कर रहे हैं ना, देखो जब आप खेल रहे हो ना इस ऐसे पे, जिसके मुश्ताक इज ऑल्सो एग्रीइंग कि यू हैव टू टेक द टीम होम, टेक इट होम, डोंट थ्रो यू बिग, हाउ अबाउट कि अगर हम 6-7 आउट हुए होते फिर आप इस तरह खेल रहे होते कि नहीं जी स्कोर तो बहुत थोड़ा है, लगा दो, क्रिकेट बता के नहीं आपको सक्सेस देगी और बता के आपको हराएगी भी नहीं, या आपको पता ही नहीं लगेगा क्या हो गया। नहीं, हमने 40 पे 6 विकेटें भी गवाई हैं, हमारा 59 पे भी हम उड़ गए हैं, बिल्कुल। तो ये चीजें जो है ये आपको क्रिकेट में मिलेंगी, लेकिन हमने अगेन एज आई से हमने ड्रॉइंग बोर्ड पे लॉन्ग टर्म देखना है, लॉन्ग टर्म वी आर नॉट डूइंग इट, एंड व्हाट ही इज सेइंग इज वी गॉट टू गो लॉन्ग टर्म, डू एक्सपेरिमेंट। हमें कोई प्रेशर नहीं था बांग्लादेश के, तो हम जंपे मार रहे हैं, ठीक है मारो जंपे, जंप वहां मारो जहां प्रेशराइज क्रिकेट हो, जंप उधर मारो कि जहां आपके पास टफ ओपोनेंट हो। वो कहते हैं ना देन यू सेपरेट द बॉयज फ्रॉम द मेन, तो ये जो चीज है ये हमने देखनी है जो टेस्ट मैच, वो जो टफ मैचेस आगे आएंगे, आएगा न्यूजीलैंड है अगला मैच, न्यूजीलैंड टू फेस न्यूजीलैंड, अल्लाह न्यूजीलैंड को यू नो हमें बरकत दे। वो क्या 9th मैच में हम ऊपर गए थे ना, 9th आज सारे लड़कों को मेरे ख्याल से ये मैच बहुत गौर से देखना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए। बट स्पार्क्स का सवाल डिस्कशन मारी जा रही है, बट कल का सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं, लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे। कल का सवाल था वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स किस बॉलर ने हासिल किए हैं, ऑल वर्ल्ड कप्स, सारे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा, बड़ा आसान सा, कसौटी एशियन नो नहीं, सबसे ज्यादा विकेट्स किसने हासिल किए हैं, शेन वॉन नहीं 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 ऑस्ट्रेलियन है ना, शेन वॉन खब्बा फास्ट बॉलर है ना, छोड़ दो ना, मैं कह रहा हूं शेन वॉन, अब मेरे ख्याल से उन्होंने लाला ने शेन वॉन आपका नाम लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आप कह रहे हैं, हां जी कौन, ये अभी खेल रहा है मिच स्टार्क, मिच स्टार्क, पीजे मीर साहब, ज़कार अशरफ। अच्छा जी चलो जी, पॉलिटिक्स मैगरा का नाम किसी ने नहीं लिया, मैगरा सच मैं मैगरा बॉलर मैगरा, मैं मैगरा के अरे मैंने सेम टीम के बंदे को तो कहा ना, इतने मुझे दे आधा दे, आधा आधा लाला को दे देते, अच्छा आधा मुझे दे दे, को मैंने फास्ट बॉलर कहा था, जब आपने कहा खबा फास्ट बॉलर, मैं कहा नाम बताएं नाम जल्दी से। अच्छा जी इसका सही जवाब दिया है इस्मा इकबाल है, कराची से उनका ताल्लुक है। इस्मा बहुत बहुत आपको मुबारक हो, इस्मा के लिए तालियां जी, वेल डन जी, और फिर वंस अगेन तारीख में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट किस बल्लेबाज का है, स्ट्राइक रेट आपने बताना है किसका सबसे बेहतर है, और इसके लिए भी हम ये एक रख लेते हैं, एक लैंडमार्क रख देते हैं कि मिनिमम 500 रन्स वर्ल्ड कप्स में जिसका सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट है, 500 से ज्यादा रन किसी बल्लेबाज ने बनाए हैं आपने उसका नाम बताना है, और
नंबर आपकी स्क्रीन पर आने लगा, अपना नाम मुकम्मल एड्रेस लिखकर आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आप भी लकी विनर की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। नंबर आप देख सकते हैं 03466503661। इस नंबर पर आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है, सवाल का जवाब देना है और बिल्कुल जी कल का लकी विनर आप हो सकते हैं। जल्दी से मैसेज करें कि आप भी जीत सके स्पार्क्स का स्मार्टफोन। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। And welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special. It is the 32nd match of the World Cup, जहाँ South Africa और New Zealand एक दूसरे के आमने सामने हैं पुणे में। And इस वक्त South Africa batting कर रही है, 9 overs हो चुके हैं, 38 runs South Africa ने जोड़े हैं with the loss of one wicket. So the captain Babuma has gone back to the hut. इस match के हवाले से तो हम discussion करेंगे, मगर coming back to the discussion of Pakistan versus Bangladesh, जो match कल Pakistan ने जीता है। लाला, कमिंग टूवर्ड्स यू, जब हम बात करते हैं बॉलिंग की, देखिए कल हमने ठीक है लिया एक ब्रेव डिसीजन, चार बॉलर्स से गए हैं, हमारे जो फुल फ्लेच थे वो चार बॉलर्स थे, बाकी हम ऑलराउंडर्स पे डिपेंड किया हमने। क्या हम किसी बड़ी टीम के सामने यही डिसीजन ले सकते हैं और इसी तरह चार बॉलर्स के साथ जाके और फिर पार्ट टाइमर्स के साथ, बिकॉज वुड न्यूजीलैंड काइंड ऑफ टीम्स, वुड दिस पेयर इफ्तिखार? सवेरा आपने पहले भी एक्सपेरिमेंट किए ना, उसी को कंटिन्यू किए, एक को बिठाया, दूसरे जेनवन को लेके आए। जब चीज़ें कभी कभार नहीं चल रही होती है ना, तो आप फिर, क्योंकि ऑप्शन होती ही नहीं है, फिर दूसरे माइंडसेट के साथ जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए, इस वक्त हम स्टैंड कर रहे हैं उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास अगर चार जेनवन बॉलर हैं ना, तो आपके पास दो ऐसे बॉलर हैं जो पाँच पाँच ओवर करके दे सकते हैं। आपके इफ्तिखार ने पाँचवें बॉलर का रोल दिलाया, आगा सलमान जो है उसने कोई ओवर नहीं किया, ऐसी तरह ही बिल्कुल है। ठीक है ना, तो आप डिसीजन मुश्किल है, लेकिन जो बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने भी कोई ऐसा परफॉर्म या नहीं, जो जिम्मेदारी उनके ऊपर एज अ बॉलर थी उन्होंने डिलीवर नहीं की। ठीक है ना, क्योंकि उसामा शादाब जब खेल रहा था और बाहर बैठा हुआ था, उसकी जगह उसामा ने बॉलिंग की थी, उस मैच में भी कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की। कल के मैच में भी अगर आप देखें तो उसामा ने तो फुल टॉस की हद ही कर दी। मेरा मतलब है कि आई डोंट नो किस माइंडसेट के साथ वो लड़का बॉलिंग कर रहा है, कोई समझ नहीं आ रहा कि जो हमारा बॉलिंग कोच एक रखा हुआ है हमने, जिसे सारी ज़िंदगी खुद खेलते हुए, मुशी भाई अगर मैं गलत हूँ तो लाजमी बताइएगा, कि सारी ज़िंदगी उसके अपने रनिंग के मसले थे, उसका जो प्रोसेस था वो ठीक नहीं था, मोरकल की बात कर रहा हूँ। तो कभी कभार में आई मीन के अब स्पिनर भी नहीं है हमारे पास, कोई कोच ऐसा कि वो जाके उनसे बात कर सके, तो आज है बैठे हुए, नहीं नहीं वो ये तो है, ये हमारे साथ बैठे हैं। नहीं नहीं वो वहाँ वहाँ जो है वो वैसे डायरेक्टर पाकिस्तान टीम ने कहा है कि अब्दुल मुजीब साहब करेंगे वो। से इट अगेन, सॉरी, अब्दुल मुजीब साहब बताएंगे। अब्दुल मुजीब कौन है? तो एक दुनिया का वर्ल्ड क्लास बैठा हुआ है, इसको फिर सुला देते नहीं नहीं हुआ, हमारी छोड़े दफा मारे, हमारा क्या है, तो ये वो जो स्ट्रेटजी जिसके बारे में बात है, ड्रॉप डिकॉक का, ठीक, मुश्किल है। अच्छा, तो खैर, कहने का मतलब ये है कि अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ भी जाना है मैं फिर भी सपोर्ट करूंगा। ठीक है, मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन आई विल गो। हम ये भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि हम चार फास्ट बॉलर्स खिला दें, साथ शादाब को ऐड कर दें, तो अगेंस्ट न्यूजीलैंड हमें ये चीज फायदा दे सकती है संभव। पहले तो ये बताएं शादाब फिट है कि नहीं, हो नेक्स्ट मैच में फिटनेस का पता चलेगा उसे, एक पता चलेगा। अगर मैं कोई चांस लेता तो मैं जरूर अबरार को वापस बुलाता, वो तो है नहीं चांस ना, नहीं, पर अगर जिस तरह कंकर्शन की वजह से इसको अशदाब को बाहर हुआ है तो आप चांस ले सकते हैं ना, ये तो बनता है ना, क्योंकि उसको ही इज नॉट फीलिंग वेल, ही इज नॉट फीलिंग ग्रेट, तो इब्रार को ला के मैं मिडिल में चार जेन्युइन फास्ट बॉलर खिलाता, जैसे हम जैसे शायद कह रहा है कि ठीक है ये कम्बिनेशन आजमाया जा सकता है कि आपके मेन बॉलर बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे, तो आपको फिर बाहर के बंदों पर चांस लेना चाहिए। मेरा ये मानना है कि बड़ी क्रिकेट में आपको जेन्युइन बॉलर खिलाने ही पड़ते हैं, पाँच जेन्युइन बॉलर हो, छठा इफ्तिखार हो या आगा सलमान हो, यहाँ जब एक्सपोज होंगे ना तो बड़ा गंदा एक्सपोज होता है फिर।
फिर कप्तान को पता नहीं चलता कि मैं किसके पास वापस जाऊं, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता इट कैन हैपन, राइट, दिस कैन हैपन, शहीन को खुदा ना खास्ता कोई मसल खींच जाता है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, तो दो अनरेगुलर बॉलर के ऊपर आप चांस नहीं लेते, फिर ऑपोजिशन जो है ना वो बहुत गंदे तरीके से फायदा उठाती है ना उसका, तो इसके लिए मतलब यू आर सजेस्टिंग कि जो लास्ट टू मैचेस हैं उसमें हम फिर शादाब को स्वॉप कर दें एक रिजर्व बॉलर से और रिजर्व बॉलर अबरार को अंदर ले आए. This is what you're suggesting. What I'm saying, that exactly. I mean, अगर वो मुशी भाई कहने चाह रहे हैं, अगर गलत हो, मुशी भाई ये कहना चाह रहे हैं, अगर वो उसने आगे दो मैचेस नहीं खेले, यानी कंकशन का है, अगर नहीं खेलने तो why not? Exactly. अबरार. Thank you. बिल्कुल, बिल्कुल. मैं ये कहने का मतलब ये था, और दूसरी जूस जो हम ना 7-8 बैट्समैन खिला लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता. इन पिचों के ऊपर 5-6 बैट्समैनों ने ना किया. हमने पूरे पूरे कोई 2 साल से पिट रहे हैं कि आप बैटिंग लंबी के चक्कर में ना बॉलिंग पे आपका कंप्रोमाइज ना करो, क्योंकि बॉलिंग आपको टूर्नामेंट भी जिताती है और बॉलिंग क्रूशियल मैचों के ऊपर आपको मैच भी जिता देती है. एग्जैक्टली, विकेट्स लेना इज द की. ऑब्वियसली आप रन नहीं रोक सकते, आप विकेट्स बेसिकली जो है वो लेते हैं, तो इस वजह से ही तो बॉलर्स का ज़्यादा इम्पैक्ट है. और जिस तरह मुशी भाई ने बात की है कि मतलब अगर 7 बैटर्स आपने खिलाए हैं तो ऊपर के 5 जेनमन ने नहीं किया तो आप 7वें तक क्या कर लेगा. ये तो डिपेंड करता है ना कि बॉलर कितना सपोर्ट करता है अपने कैप्टन को, टीम को. ओके, अब जब आप उसामा की बात करते हैं, मुझे तो उसके अंदर निपी ने और इस क्रिकेट के अंदर वो गुलतारा दे रहे आगे जी. और भाई तुम थोड़ा पुश करो उसको, जब तक तुम पुश नहीं करोगे तो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा. जब आप ये करोगे और अच्छी क्रिकेट के अंदर जब इसको और मेन टीम्स के आगे, क्यों शायद मुश्ताक उसके अंदर इससे अच्छे बैट्समैन मिलेंगे, वो तो इसको उड़ा के रख देंगे उसके अंदर. तो ही हैज टू चेंज हिज टेक्निक इन दैट, यू नो, थोड़ा सा पुश करें. एंड यस, अगर आपने नहीं खिलाने अबरार को लेके आओ. बिल्कुल, देखो ना आपने अब क्रूशियल डिसीजन लेने, क्योंकि आपके पास अब कोई वो एरर का टाइम नहीं है. एंड यू हैव टू थिंक इन द नेक्स्ट 2 मैचेस. एंड देन जितनी आप क्रिकेट खेलते हो उसमें आपके हैमस्ट्रिंग्स के प्रॉब्लम पड़ जाती है, यू नो, हर किस्म के प्रॉब्लम, निगली प्रॉब्लम पड़ जाती है. तो इसके अंदर यू नीड अ मैन, अ बॉय 110% फिट, नॉट 90, यू नो, इस तरह का. सो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन योर फिजियोज, ऑन योर ओवरऑल स्ट्रीम स्ट्रेटजी. लाला, व्हाट, हम उसामा की ही बात कर रहे थे, व्हाट वेंट रॉन्ग? हमने पीएसएल में देखा, हम जोर का जोड़ पे पीएसएल में बैठे हुए थे, हमने तारीफ की उस लड़के की, बिकॉज ही वाज लुकिंग डिफरेंट, बहुत उस वक्त डिफरेंट था, बिल्कुल सही नोट. अभी क्या हो गया अचानक? क्या कंडीशंस डिफरेंट हैं, या प्रेशर डिफरेंट है, या फॉर्मेट डिफरेंट? नहीं, फॉर्मेट की बात नहीं है, बात यह है कि जिस माइंडसेट के साथ मैं और आपने देखा था और उसको सपोर्ट किया था, वो माइंडसेट मुझे यहाँ नज़र नहीं आया. क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई बता ही नहीं रहा उसको, उसको या शादाब से कोई बात कर नहीं रहा, या किसी को उनको जो गलतियाँ, टेक्निकल जो गलतियाँ हो रही हैं उनसे, उस पर उससे कोई बात कर नहीं रहा. या मैं हैरान हूँ, आजकल तो आपके पास सारी वीडियोस होती हैं, आप अपने पुराने मैचेस क्यों नहीं देख रहे जिसमें आपने 5-5 आउट किए हैं, जिसमें आपका अच्छा रिदम आ रहा था, अच्छा बॉल गिर रहा है. देखो तो सही वो वीडियोस, देखो तो सही कि आपकी बॉडी आ कैसे रही है, आपका पूरा प्रोसेस चल कैसे रहा है. तो आई मीन मैं ये समझता हूँ कि देखिए इस लेवल पे आपकी, हमेशा मैं कहता रहा कि नेशनल लेवल पे आपको सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्मेंस का ही प्रेशर होता है और कुछ नहीं होता, उसको आप ही नहीं ठीक करना है. आप यार शादाब या उसामा यार कितने दूर बैठे हुए हो, 2-1.5 घंटे की फ्लाइट पे बैठे, कॉल करो यार. बिल्कुल, बात कर लो मुशी भाई से, बात कर लो कि मुशी भाई मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था ये था, तो ये बंदा 1-2 बातें बता देगा ना कि यार ये टेक्नोलॉजी है, कॉल कर लो, वीडियो कॉल कर लो, कि उसमें कॉल कर लो कि आप बॉल छोड़ रहे हो. तो ये सबको नजर आ रहा है कि आप बॉल छोड़ रहे हो, फुल टॉस से हुई जा रही है, मार के करो ना यार. आपने अपने स्पेल के अंदर आखिरी 3 बॉलें जो की है उसी रिदम के साथ 3 बॉलें करो ना, मैं देखता हूँ कितने आउट करते हो और कितने कम रन देते हो. ओवर में लाला जब आप देख रहे थे, हम मैच देख रहे थे, आप 5 गेंदें उसने जो आपने कहा कि फ्लाइट बहुत कर रहा है, 6ठी गेंद उसने अच्छी मारी जो कि जिस पे कोई रन नहीं. मैं कह रहा हूं कि अब यहां से बैठे काश वो सुन लेता, मैं कह रहा हूं तेज क्यों नहीं कर रहे, छोड़ क्यों रहे बॉल को. बिल्कुल ऐसे ही पिचों पे छोड़ा नहीं जाता, आप मार के करो, आपको टर्न भी मिलेगा और सामने की तो हाइट इतनी अच्छी है कि बहुत अच्छा मिलता है, फायदा उठाया अपनी हाइट. तो मुशी भाई जो कोचिंग जब आपके साथ रहे मुल्तान सुल्तान में, क्या हम ये कह सकते हैं कि मुसलसल कोचिंग की जरूरत है? क्योंकि जो उस वक्त आपने बताया, जो उस वक्त सिखाया, अब ये लड़के के अपने ऊपर भी है, उसको अप्लाई वो वहां पर कैसे करता है? डाटा एनालिस्ट टीम के साथ मौजूद है, वो क्या बता रहे हैं? सिर्फ मुखालफिन का ही बताएंगे, आपकी अपनी पुरानी वीडियोस भी निकाल के आपको बता सकते हैं भाई ये तुम्हारी स्ट्रेंथ थी,
ये तुम अब क्यों नहीं कर रहे? मेरी जिंदगी में कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं, जैसे ग्रैम स्वान 200-250 विकेट लिए और डेब्यू मैं था पहला कोच, स्पिन बॉलिंग कोच उनका, जब उनका डेब्यू हुआ जी। वो ही टोल्ड मी फर्स्ट डे, रिमेंबर दिस, ही सेड मुशी यू आर स्पिन बॉलिंग कोच, आई डजन लाइक कोच पीपल कोच मी, मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं, मुझे टैक्टिकल चीजें ना बताना कि तेरा बाजू इधर नहीं आ रहा, फला नहीं आ रहा। पहले दिन उस बंदे ने ब्लंटली मुझे बोल दिया, मिस्टर शाहिद अफरीदी सेकंड, ही डजन अंडरस्टैंड कोचिंग, ही नीड्स मोटिवेशन। अब मैं शाहिद को, स्वान को, अगर मैंने फिगर आउट करना होता ना, जब आप कोचिंग करते हो आपने पहले बंदे को असेस करना होता है कि इसका माइंड सेट कैसा है, उस माइंड सेट के ऊपर फिर उसको मैसेज देना होता है। ये नहीं है कि जो मैं समझता वो करे, नहीं, जो प्लेयर समझता वो करवाना है उससे, उसके तरीके से काम लेना है आपने। आप मुल्तान सुल्तान की बात बता देता हूँ, मुल्तान सुल्तान में 20 ओवर में ठा 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 हो रही होती है, सामा से बात क्या है, सिंपल प्लान क्या है, मीटिंग, स्पिन बॉलिंग मीटिंग हो रही है, कप्तान को बैठाता हूँ बीच में, रिजवान बैठता है, मैं बैठा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, आपसे विकेट नहीं चाहिए, विकेटें आपको खुद मिलेंगी, आपने खिंची हुई विकेट टू विकेट बॉल करनी है, आपने चांस लेना, अगर चांस लेना होगा तो हम आपको बाहर से मैसेज भिजवा देंगे, आपने 4 ओवर में 24 रन्स देने हैं, ये आपका रोल है, और 24 रन्स देंगे आप खिंची हुई लाइन लेंथ के ऊपर, ठीक है, जब आपसे विकेट की डिमांड होगी तो हम मैसेज बोल देंगे अब छोड़ो ढीला, ये बात क्लियर होगी, उसका रोल क्लियर कर दिया। जब आप शाहिद को कहेंगे या मुश्ताक अहमद को कहेंगे या उसामा शदाब को कहेंगे यू आर लेग स्पिनर, यू आर मैच स्पिनर, यू हैव टू गेट विकेट, प्रोसेस तो बताओ विकेट लेने का, ये सबसे बड़ा एलिमेंट होता है कि हर बंदे की माइंडसेट डिफरेंट है, उसके मुताबिक उसको कोचिंग करनी चाहिए और उसके मुताबिक उससे काम लेंगे तो आई एम श्योर 100% वो छोटा सा मैसेज होता है, वो जो कई लोग होते हैं बड़े नाइव होते हैं, उनको अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता होता, उनको अपनी स्ट्रेंथ को याद कराने के लिए यू नीड समबडी अराउंड हिम, ठीक है, मैं बड़े बड़े नाम ले सकता हूँ जिनको अपनी बॉलिंग का नहीं पता होता था, यकीन माने, बट दे जस्ट नीड रिमाइंडर, वो उस रिमाइंडर की कोचिंग कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि तेरा बाजू नहीं आ रहा तो इस तरह कर, जैसे शायद कह रहा है मार, ये ग्राउंड में होता है इसने क्या करना, मार के खींची खींची गेंद कर, ये है कोचिंग एक्चुअली। मगर फिर हम थोड़ा सा जरा अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, शायद एक और वजह ये भी हो सकती है, बिकॉज ही नोज शादाब इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ दिस टीम, ही हैज ऑलवेज बीन द फर्स्ट चॉइस, सो मे बी ही इज जस्ट ट्राइंग अ लॉट, मतलब वो ज्यादा ट्राई करते हुए दिख रहे हैं, वो इंस्टेड के वो जस्ट ही इफ ही स्टिक्स टू द बेसिक्स, वो ज्यादा ट्राई करते हुए दिख रहे हैं कि विकेट आ जाए, मेरे नंबर्स में विकेट आ जाए, विकेट आनी चाहिए, कैन दैट बी वन पॉइंट एज वेल। आप जब ड्राइव करते हैं तो रोड ऑफ रोड होते हैं जी, तो किसी ने आपको रोड पे तो लाना है ना, बिल्कुल लाना है, तो आपको वही बंदा लेके आएगा जिसका एक्सपीरियंस है। अब तो नहीं है ना वो बंदा, अभी क्या करे, अब ये करे, देखे जो हो रहा है हो गया, यहाँ बैठ के हम कितने तनकीद कर लेंगे, अगर तनकीद करेंगे तो बराए तामीर करें, हम नॉट फॉर द सेक ऑफ इट। सो टुडे आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू इज, ये पीसीबी अगर देख रहा है, खुदा के लिए इनकी एक्सेसिबिलिटी करवा दें इन स्पिनर्स के साथ, फोन पे बात कर लें, वीडियो उस पर कर लें, कोई ये टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है ना, तो अगर हम हर चीज टेक्नोलॉजी वहां लगा रहे हैं तो इसको क्यों नहीं यूज करें? अब आखिरी 2 मैचेस के लिए आप क्या करेंगे? मैं तो एंबैरस्ड फील कर रहा हूं। नहीं, एंबैरसिंग की बात नहीं है, पता है, नहीं, एंबैरसिंग की बात नहीं है। एक और जो अभी उन्होंने कोचिंग की बात की, पॉइंट ले लिया, ये जितने कोचेस देख रहे हैं, दिस इज व्हाट दे मस्ट लर्न, डोंट ट्राई एंड चेंज द पर्सन, लिटिल ट्वीक्स, little this and little that and motivation, that's what cricket is all about. Sometimes, you know, I say that many times, you know, smart coaching, the best coaching is not to coach people, yes, you know, sometimes you don't have to justify your job, you know, sometimes ye hai shahid ke upar, ye bahut bada element hai, मैं खुदाई कसम भी पूछे इसके, एग्री डिसएग्री कर दे मेरे साथ, इसको नहीं कोचिंग की, इसको मोटिवेशन की जरूरत होती थी, इसको कहते थे शायद जाके तू फेंटा लगाना है, ये वसीम भाई ने और सईद भाई वगैरह ने जब इसकी स्ट्रेंथ को पता चला ना, क्यों ये खुल के खेलता था फिर, क्यों शायद ने बॉब विल्मर के कोचिंग के दरमियान अपने स्कोर किए, क्यों ये अपनी क्रिकेट को एंजॉय, क्यों विकेटें ली हैं पाकिस्तान से, लंबी लंबी बातें नहीं, नहीं इसलिए हम सॉरी लोगों को ये लगेगा कि हम एक प्रोग्राम में बैठ के एक दूसरे की तारीफें करें, ऐसी बात नहीं, ही डन इट, यू नो एविडेंस इज देयर ना। अब मुझे कह रहा है ग्रैम स्वान, जिसके लिए इंग्लैंड बोर्ड ने मुझे रखा हुआ है कि तूने आगे ग्रैम स्वान की और मोंटी पेनासार की कोचिंग करनी है, मोंटी पेनासार को कोचिंग की जरूरत होती थी, स्वान ने मुझे पहले दिन कह दिया 6 साल मैंने उसकी कोचिंग नहीं की, एंड दैट वाज माय कोचिंग एक्चुअली। लाला आपको नहीं पसंद थी वैसे कोचिंग? किसको? मुझे मुशी भाई जो बात करें, कोचिंग नहीं पसंद थी आपको?
यार अब ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पहले सामने वाले बंदे को पहचानो कि वो है क्या, ठीक है ना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर आप उसी तरीके से उससे काम लेने की कोशिश करते हैं। तो आई मीन कि कुछ लोग होते हैं जो प्यार की जबान समझते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़ा सा आपको डांटना पड़ता है, डांटना पड़ता है। आशा अभी उस समय की बात हो रही थी ना, KPL पे मैंने इसको पिक किया अपनी टीम, कश्मीर लीग हो रही थी तो मैंने इसको पिक किया, तो अहमद वगैरह भी थे, अहमद शहजाद वगैरह, कहते लाले से देख के कराइएगा, ये बहुत छोड़ छोड़ के बॉले करते हैं, विकटों के चक्कर में जाता है। अच्छा वहाँ पे पीछे बहुत अच्छी थी, मैंने उसामा मीर को ना पहले ही दिन बता दिया कि मैं क्या हूँ, मतलब थोड़ा सा उसको मैंने खींचा, मैंने कहा मुझे कोई फ्लाइट बॉल नहीं चाहिए तुम्हारी तरफ से, तेज तेज बॉल करनी है तुमने, तेज तेज बॉल, यकीन माने उसने तेज तेज बॉलिंग की है। कुछ लोगों को आपको थोड़ा सा, अब घर में सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं होते, बराबर नहीं होती ना, कुछ बच्चों को थोड़ा सा कान खींचना पड़ता है उसको, उसके फायदे के लिए, हमारी कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही उसके कान खींचने का, लेकिन उसको बहुत ज्यादा फायदा। तो बड़े इसलिए कहते हैं कि बड़े होते हैं कुछ आज लोगों पे थोड़ा सा जो है ना डंडे के साथ, उसका रिजल्ट निकला वहां से आगे निकला वो लड़का, वही तो मतलब यही बात है कि किस तरह अंडरस्टैंड करना है, मैन मैनेज किस तरह करना है, और अगले को अंडरस्टैंड करके हर किसी को, आप वो कहते हैं ना भेड़ बकरी की तरह इधर से उधर हांक नहीं सकते, एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन भी यहीं से आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023। एंड जनाब यहाँ पे जो है इस वक्त 32nd मैच जारी है, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड एक्शन में है, और अभी साउथ अफ्रीका ने 73 रन बना लिए एक विकेट के नुकसान पे, एंड इट इज जस्ट द 16th ओवर राइट नाउ। मगर ब्रेक में जो है वो यहाँ पे भी बड़े मुकाबले जारी थे, और आप जो है वो समा डिजिटल पे देख सकेंगे कि बिहाइंड द सीन्स हो क्या क्या रहा है, बिकॉज हम तो ब्रेक्स में बड़ा इंजॉय करते हैं। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जिस तरह वैसे अगर हम साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों टीम्स की बात करें लादा, जिस तरह इन दोनों टीम्स ने खुद को अप्लाई किया इस वर्ल्ड कप में, साउथ अफ्रीका हैज ऑलवेज बीन अ गुड टीम, अगर हम वक्तन फवक्तन ये बात करते थे कि दे यूज टू चोक एवरी टाइम, बट इस दफ़ा ऐसा लगता है कि शायद वो, अभी तो खैर प्रेशर मैच आया नहीं है, ऐसा नॉकआउट आया नहीं, बट लगता ऐसा है कि शायद वो ये कर्ज हटा देंगे अपने पास। हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी अच्छी टीम ऐसे मैचेस, क्रूशियल मैचेस के अंदर फिर परफॉर्म ना करना, तो इसका मतलब ये लेबल सही लगा हुआ है उन पे, हटाना भी उन्हीं को पड़ेगा। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो टीम का कॉम्बिनेशन ओवरऑल नज़र आ रहा है, क्योंकि जो बीच में साउथ अफ्रीका जिस तरह क्रिकेट खेल रही थी पहले, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, उनके पॉलिटिकल इश्यूज थे या दूसरे उनके चीज़ें, उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन आई मीन कि उसके बाद से एक यूनिटी नज़र आ रही है, और किसी भी टीम के अंदर, जिस टीम के अंदर यूनिटी हो वो टीम स्टैंड कर जाती है, निकल जाती है मुश्किल वक्त से। तो वो चीज़ हमें काफ़ी अरसे बाद, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमें कुछ अरसे से साउथ अफ्रीका की टीम में ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो फुकदान था यूनिटी का वो अब नज़र नहीं आ रहा, हर लड़का खुल के परफॉर्म कर रहा है, अच्छा खेल रहा है, अच्छा डिलीवर कर रहा है, कप्तानी बड़ी अच्छी हो रही है उनकी तरफ से। आई नो कि कप्तान उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना उनके बैट्समैन जिस तरीके से खेल रहे हैं, ऑनेस्टली इस वक्त पूरे टीमों के अंदर, क्योंकि मैं खुद हिटिंग का शौकीन था, उनके जितने भी इस वक्त हिटर्स हैं, जब मौका आता है, ऐसी सिचुएशन आती है, इतना ज़बरदस्त उनकी बॉडी का बैलेंस होता है, हिटे मारते हुए कि मज़ा आता है, मज़ा। अच्छा कुछ स्टैट्स ऐसे होते हैं जिन्हें देख के भी आपको बड़ा मज़ा आता है, आपका दिल खुश हो जाता है, कुछ स्टैट्स निकाले, ये हम आप लोगों से इस पर बात भी करेंगे। एक तो 45 की आपकी एवरेज प्लस और 90 प्लस का स्ट्राइक रेट, मॉडर्न क्रिकेटर्स तो बहुत सारे हैं इसमें, एक सर विवन रिचर्ड्स का नाम भी देखे, 47 की एवरेज, 90 प्लस का स्ट्राइक रेट उस दौर में। आज तो क्रिकेट बहुत तेज हो गई है, एबी डिविलियर्स का नाम है जबरदस्त, 53.5 की एवरेज है, 101 का स्ट्राइक रेट है, विराट कोहली टॉप पर है, 57.91 की एवरेज, 93 प्लस का स्ट्राइक रेट, और रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर, एबी डिविलियर, डेविड वार्नर, फखर जमान भी है, 45.82 की एवरेज है, 92 का स्ट्राइक रेट है। तो ये सब स्टैट्स तो मॉडर्न क्रिकेटर्स को तो हम देख रहे हैं, लेकिन मुशी भाई सर विवन रिचर्ड्स की क्या बात थी, मिनिमम 50 इनिंग जो है हमने वो निकाला उसका स्टैट, तो क्या क्या प्लेयर थे वो? लकीली मुझे अल्लाह ने मेहरबानी की, मैं 2-3 साल इनके खिलाफ खेला हूँ, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और ये खेला करते थे,
ऐसे पर्सनैलिटी बहुत कम आप लोग देखें। इसको पता क्या था, ये चलता फिरता ऑपोजिशन टीम इसी को देखती रहती थी, जिस तरह का ये चाल करता था पूरा, और ये पूरा एक इसका करिश्मा था। वो करिश्मा क्या था याद रखिएगा कि कवर में बॉल गया, ये ऑफ स्पिन करता होता था, कवर में बॉल गया है ना तो लॉगी ने या डेसमंड हेन्स ने या ग्रीनिज ने बॉल पकड़ा और बॉल इसकी तरफ फेंका ना, तो ये हाथों से नहीं कैच करता था, ये ना ऐसे बॉल को फेंकता था ना तो ऐसे सीना मारता था और ऐसे पकड़ता। आप 70% उधर ही कर रहे क्या, और उधर स्लिप के कैचेस कैसे कैसे कर रहा होता था, स्लिप के कैचेस वो रोलर नहीं होता था जो विकेट के ऊपर रोल करते हैं, उसके ऊपर वो जोर से मार रहा होता था, कैच राइट है वाला तो उसको बाएं हाथ से ऐसे पकड़ता था, ऐसे पकड़ता था, मतलब 90+ से बॉल तेज आ रहा हो और उसको दोनों उल्टे हाथों से पकड़ रहा हो, ये उसका करिश्मा था। और मैंने एक दफ़ा अभी PGL में भी पूछा, जब खेला करते थे उससे पूछा मैंने, मैंने कहा विव You never get scared of Thompson and Lily and all those guys. They were very fast. आगे से पता कहता है, yes, Mushi, I used to get very scared. But let me tell you one thing, the only way to survive against those guys, जो helmet भी नहीं पहना सब कुछ, तो मैं सबसे पहले जाके मैं उनको abuse करना शुरू कर देता था। मैं उसको आगे से ना breakfast से same hotel में ठहरे थे, breakfast में घूरियाँ डाल के उनको चले जाता था। मैंने कहा why? कहता मुझे पता था कि अंदर से उन्होंने अगर बाउंसर करने तो है ही हैं, क्यों ना मैं उनको डरा दूं, एक दो बाउंसर अगर मैंने पड़ गया ऊपर से तो फिर ये बचने के चक्कर में पड़ेंगे। यहाँ से पता चलता है, इसलिए आज उस बंदे का नाम यहाँ पे है, क्योंकि इट्स बेस्ट डिफेंस इज बेस्ट अटैक। अच्छा मुशी भाई, जब वो ग्राउंड में बैटिंग करने आता था क्या एंट्री होती थी च्युइंगम चबाते हुए, क्या उसकी बॉडी मैंने पहला गेंद किया, इसने वो शॉट मारी, वो इस तरह था कि घास जल जाएगी, तो सरफराज मेरे पास आया, सरफराज मिड ऑफ पे था, मुझे कहता है वो ये बहुत हल्का है, इन बाउंस मार। अच्छा मैं कहा यार सैफ मेरी तो इतनी पेस भी नहीं है, मैं किधर से मारूं, कहता नहीं मार तो सही यार, मैंने कर दिया शॉर्ट बॉल, वो गेंद गया था मेरे ख्याल से बर्मिंगम से लंदन जा रहा था वो रस्ते में अल्लाह का शुक्र है वो जहीरबाज ने कैच पकड़ लिया। अच्छा। कहता है मैं की क्या सी तेनू, मैं कह यार मैं तेरी नहीं सुननी दोबारा तेरी नहीं कहते सुननी ये, एंड यू नो बोलिंग विव। और ये अभी जब अल्लाह जन्नत से जो कादर भाई की और कैटली एम्ब्रोस की जब जहाज में लड़ाई हुई ना नेहरू कप के दरमियान में, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है ये, जब उनके बहुत वो हाथों पाई लड़ाई हो गई तो एक दूसरे को लड़ रहे थे मार रहे थे, ए उठा और उठ के इसने ना उसको कर्टली एम्ब्रोस को, क्योंकि वो कादर भाई के ऊपर लेटा हुआ था मुक्के मार रहा था, इसने उसको ऐसे पकड़ा कर्टली एम्ब्रोस को ऐसे पकड़े परे मार के ना, और इसने शर्ट उतारी और मतलब ऐसे शर्ट कर कर स्टॉप गाइस, ऐसी एक आवाज आई है कि सारा जहाज प्राइवेट वो चार्टर्ड फ्लाइट थी और उस पूरा जहाज एकदम खामोश हो गया कि एकदम उसकी आवाज से, और उसके जो फेस इंप्रेशन थे ना वो सो स्केरी कि एम्ब्रोस से लेके सारी हमारी पाकिस्तान टीम भी जिसमें हमारे इमरान भाई भी सारे बैठे हुए थे एकदम पीछे होकर स्टंट, 5 मिनट तक कोई नहीं बोला और ये सिर्फ इस तरह देखता रहा एक से कोई नहीं बोला, पूरे जहाज में कोई नहीं बोला 5 मिनट तक, ये ऐसा करिश्मा था इसके अंदर। बिल्कुल वो करिश्मा अभी भी, बिकॉज आई रिमेम्बर कि वो पेप टॉक क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ वो पेप टॉक को ये कर रहे थे, एंड जिस तरह वो लड़के इन्वॉल्व थे ना उस पेप टॉक में, जिस तरह वो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किसी की पर्सनैलिटी का, बहुत ज़्यादा, इतना बड़ा नाम और वो क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ था और जो ड्रेसिंग रूम का डग आउट का जो माहौल बना के रखते थे कि हर लड़के को बैक करना, और वो नजर आता था टीम के ऊपर फुल एनर्जेटिक टाइप का मजा आता था, गुस्से में होता था, अब लड़कों को उठाता था, एक बहुत बड़े प्लेयर की तरफ से बहुत बड़ी बात होती है किसी टीम फ्रेंचाइज के साथ वो इस तरह की बॉडी। अच्छा होता क्या है कि कर तो वो रहा था लेकिन अंदर लड़के उठ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, बड़ा फर्क पड़ता है, इतने बड़े नाम जब आपके साथ और वो आपका एज अ मेंटोर हो आपके साथ, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा शायद एक जल्दी से किस्सा सुनाता हूँ, वेस्ट इंडीज में 86 में वसीम भाई अपनी पीक पे थे, बहुत तेज बॉलिंग कर रहे थे और वसीम भाई ने ना विव रिचर्ड की 2 दफा कैप नीचे गिरवा दी बाउंसर पे, और विव रिचर्ड ना अनकंफर्टेबल हो गया पहली दफा उस सीरीज के बाद ना, आई थिंक विव स्टार्ट ना गेटिंग वरीड अबाउट द बाउंसर, वसीम भाई ने बहुत तेज बॉलिंग की थी। अच्छा वसीम भाई ने बाउंसर करके ना, तो अब सारे जो सीनियर प्लेयर होते थे ना बैट्समैन, वो खुद नहीं कुछ कहते थे, कहते तू क्या अब्यूज़ कर, क्योंकि उनको पता था कि उनके फास्ट बॉलर ने भी आगे बॉलिंग करनी है तो हम क्यों अब्यूज़ करें, तो वसीम भाई ने उनको ना अब्यूज़ किया कि ओह यू विव रिचर्ड होगा तो अपने घर होगा, वसीम भाई तेज़ बॉलिंग कर रहे हो और स्विंग हो रहा और 2 दफ़ा विकेट उनकी कैप गिर गई हो,
तो शाम को मैच खत्म हुआ तो ये वसीम भाई खुद बताते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं, कहते हैं दरवाजे पे नॉक हुआ तो बिग रिचर्ड ने शर्ट उतारी हुई थी, ट्राउजर पहना हुआ था तो और बैट पकड़ा हुआ था और कह जी क्या कैन यू कॉल वसीम अकरम, तो वसीम भाई ने जाके कहा कि इमरान भाई को कहा कि इमरान भाई वो आया हुआ है, मार रहे आगे भाई, आपने तो मुझे कहा था कि आप देख लेंगे मैच के बाद, कह रहे नहीं नहीं तुम्हारा मामला है तुम ही हल करो। फिर कहा गया यहाँ तक यही यही बात में माफी तलाफी हुई और क्या होना था, वो तो शर्ट उतार के ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़ा हुआ था यूं करके ब्लाउज़र वसीम अकरम को। बट यस, इस तरह के कैरेक्टर्स मेरे ख्याल से लाइफ डालते हैं क्रिकेट में, और ये जो है ना ये डिफरेंट कलर्स हैं क्रिकेट के। बट एक सवाल जो कि कल हमने बिल्कुल एंड पे जाते हुए पूछा था, वो मैं चाहती हूँ कि आज #AskZKJ का वो सवाल यहाँ पे एड इन जरूर करें, बिकॉज वो सवाल जो है वो रह गया था कल, तो उस प्लीज़ अगर वो सवाल हम दिखा सके स्क्रीन पर तो हम उसके वाले से बात कर सकेंगे। हाफिज हसन इनका जो है वो ट्विटर हैंडल है, उन्होंने पूछा अस्सलाम वालेकुम, आई लाइक योर शो शाहिद भाई एंड मुश्ताक अंकल, इसका टेक्निकल एनालिसिस करके बताइए कि अगर लेफ्ट फुट की डायरेक्शन लैंडिंग के वक्त राइट साइड पर हो या फिर लेफ्ट साइड पर हो, इन दोनों सिनेरियोज में बोलिंग में क्या फर्क पड़ेगा। वो तीनों की पिक्चर्स भी साथ लगाई हुई हैं, राशिद का स्ट्रेट है, उसामा का थोड़ा सा क्रॉस हो रहा है, शादाब का बहुत ज्यादा, शादाब का तो तकरीबन ऑलमोस्ट मेरी तरह है, मैं भी इसी तरह ही करता था जिसकी वजह से मेरे लोअर बैक पे बहुत फर्क पड़ा था मुझे भाई। बाकी शादाब आप बताएंगे, मैं आपके स्कोर बेहतर बता सकते हैं। थोड़ा सा ये है कि अगर आप देखें कि जो गुड क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग एंड पुटिंग अस अंडर प्रेशर आल्सो, दैट्स आल्सो, ये जो शादाब का है ना, जैसे शाहिद ने कहा कि पाँव क्रॉस गिरता है और लाइनमेंट की बात कर रहे हैं, इसका जो पाँव है ना इस लाइनमेंट में नहीं है। अब ये कंसिस्टेंसी जो हम कहते हैं ना कि बॉलिंग कंसिस्टेंटली एक जगह पे क्यों नहीं गिरती, ये इसकी एक वन ऑफ द रीजन है कि आपका देखें शादाब का सर नीचे गया, वो बाजू दूर है उससे, सर से दूर है, शाहिद का सर से दूर नहीं होता था, इसका ना अलाइनमेंट शाहिद की ऊपर से नीचे से दोनों की ठीक होती थी, इसलिए इसका ड्रिफ्ट और लाइन अच्छी होती थी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब इसका टो फाइन लेग की ऊपर है और इसका जो ये बाजू सर इधर गिर रहा है, बॉल इसने करनी है वहां पे सामने, इसका बाजू सर इधर गिर रहा है, पांव इधर फाइन लेग की तरफ गया हुआ है, हाथ इधर है, बॉल इधर करना है। अब जब आप लैंड करते हो ना, बॉल निकालते हो अपने हाथ से, ये बहुत मुश्किल है कि आपका ना कंसिस्टेंटली एक जगह पे वहां पे गेंद गिरे, क्योंकि आपका ये रुख इधर है, सर इधर है, हाथ इधर है। अब तीनों चीजों को रिलेट करने के लिए यू हैव टू बी वेरी 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 एक्यूरेट, बट हो नहीं सकता क्योंकि अलाइनमेंट इजाजत ही नहीं देती आपकी। अब ये तो हो गया शादाब का, ठीक है। अब आप आ गया उसामा का फिर भी बेहतर है। अब इसका क्या है कि जब ये बॉल कर रहा है, शाहिद ने कल कहा था ये ऊपर से छोड़ रहा है, ये इसका हाथ देखें पीछे, इसका हाथ पीछे है, और इसका ये क्या है कि इसका भी जो आप देखें ना पीछे से या बॉल करेगा ना, तो इसकी अगली टांग पे ऊपर अभी वेट पूरा नहीं गिरता। मैं उसका एक्सप्लेन करता हूँ क्यों नहीं गिरता। जब ये इसकी स्ट्राइड छोटी है ना, तो ए ऐसे करके बॉल फेंक रहा है, तो इसमें यहाँ पता नहीं चलना आगे गिरना है कि किधर गिरना है। जब ये पूरा अगली फ्रंट पे टांग पे जोर डाल के इधर से बॉल करेगा ना, यहाँ से लंबा है ना, तो फिर इसकी जो पेस भी है और तेज करने के इन पिचों के ऊपर वो लाइन पे करेगा जल्दी से क्विकली। राशिद ये इसका पाँव बहुत बाहर है, इसका गुगली बहुत अच्छा होता है, इसका लेग स्पिन बहुत कम होगा मुश्किल। इसकी वजह पता है क्या है कि जब बंदा ये लॉक अच्छा किया हुआ है, इसकी अलाइनमेंट ठीक है, ये पूरा अगली टांग पे ऊपर खड़े होकर बॉल करता है, इसलिए इसका हाथ देखें पीछे से इतना यहां से आता है, सर के ऊपर से आता है, इसको 1 o'clock, ये 1 o'clock से जब हाथ आता है गुगली होगा इसका लंबा, लेग ब्रेक इसका नहीं होगा क्योंकि इसका एक्शन अलाउड नहीं करेगा लेग स्पिन करने का। बड़ी क्विकली बता रहा हूं क्योंकि आप पीछे से कह रही हो टाइम आया हो रहा है टाइम, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम आपको अच्छी इसकी मास्टर क्लास मैं और शाहिद लेग स्पिन के ऊपर जरूर देंगे। कंटिन्यू करते हैं इसको 5 बजे, हम इसको 5 बजे के जब टाइम फ्रेम पे जोर का जोड़ वापस आता है तो उस पे बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। जाते जाते spars.pk आपने विजिट करना है वेबसाइट के जरिए, कोई भी स्मार्टफोन या एक्सेसरीज अगर आप लोग परचेज करते हैं तो लकी विनर्स की में शामिल हो जाएंगे, जहां पर आपको मिलेगा वर्ल्ड कप फाइनल के मौके पर एक ग्रैंड प्राइज। तो हमें दीजिए इजाजत, आप सबकी 5 बजे मुलाकात। आप सबका शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।